आज हम सीखेंगे दैन और देन में क्या फर्क है, क्योंकि अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं और कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि दैन का सही इस्तेमाल क्या है या दैन और देन में क्या फर्क है। तो आइए फ्रेंड्स उनके कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले दैन का कंसेप्ट समझें, उसके बाद हम देन का कंसेप्ट समझेंगे। दैन एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है के बजाय या की तुलना में, यानी जब हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां हम दो नाउन के बीच में कंपेयर दिखाते हैं या दो चीजों के बीच में कंपेयर दिखाते हैं, तो वहां हमें दैन का इस्तेमाल करना होता है। कैसे करना होता है आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं आपकी तुलना में बड़ा हूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम बिगर दैन यू। यहां मैंने बोला दैन यू, दैन यू का मतलब हुआ आपकी तुलना में या आपके बजाय। अगर आपको कहना हो मैथ की तुलना में इंग्लिश आसान है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इंग्लिश इज इजियर देन मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स की तुलना में इंग्लिश आसान है। यहाँ आपने देखा मैथमेटिक्स की तुलना में के लिए मैंने बोला देन मैथमेटिक्स। अगर आपको कहना हो इस गांव की तुलना में वह गांव अच्छा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दैट विलेज इज बेटर देन दिस विलेज, यानी इस गांव की तुलना में वह गांव अच्छा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि यहां पर मैंने बोला इस गांव की तुलना में, इसलिए मैंने बोला देन दिस विलेज। बॉस की तुलना में आप होशियार हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉस। यहां मैंने बोला बॉस की तुलना में, इसलिए मैंने कहा देन बॉस। तो उम्मीद करता हूं कि आपने पहला कंसेप्ट समझा कि देन का मतलब होता है की तुलना में या के बजाय। आइए अब सीखे कि देन का क्या इस्तेमाल है। देन एक एडवर्ब है जिसका इस्तेमाल हम दो सूरत में करते हैं। पहला, जब आपको कहना हो तो, तब या उस समय या उस वक्त, तो यहाँ पर आप बोलेंगे देन। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो कि मैं उस वक्त दिल्ली में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज इन दिल्ली देन, यानी उस वक्त या उस समय या तब मैं दिल्ली में था। अगर आपको कहना हो तब आप कॉलेज में थे या उस वक्त आप कॉलेज में थे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर इन कॉलेज देन, यानी उस वक्त आप कॉलेज में थे या उस समय आप कॉलेज में थे या तब आप कॉलेज में थे। अगर आपको कहना हो तब मैं क्लास 8 में था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई वॉज इन क्लास 8 देन, यानी उस वक्त या उस समय मैं क्लास 8 में था। आइए देन का दूसरा यूज देखें। देन का एक मीनिंग होता है फिर, यानी इन दैट केस के जगह पर हम देन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कहना हो जैसे डॉक्टर ने बताया है अगर आप वैसे दवा लेंगे तो फिर आप जल्दी सही हो जाएंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे If you take medicine as the doctor prescribed, then you will get well soon. यानी जैसे डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है वैसे आप दवा लेंगे तो फिर आप जल्दी सही हो जाएंगे, यानी उस केस में आप ठीक हो जाएंगे। तो आपने देखा कि यहाँ देन का इस्तेमाल इन दैट केस के जगह पर हुआ, यानी जब आपको कहना उस सूरत में, तो आपने बोला देन। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर आप करेंगे जो मैं कहता हूँ तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इफ यू डू व्हाट आई से देन देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, यानी अगर आप वो करेंगे जो मैं कहता हूँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह दोनों टॉपिक्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि देन और देन क्या है, कब इस्तेमाल करना है देन और कब इस्तेमाल करना है देन। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।